Good evening, everybody. TYBCom Financial Market Semester 5. Our subject is Business Ethics and Corporate Governance. Myself, Dr. Vijay Mahida, and Chair Principal of the College. Already, we have started with the topic in the last session. In the last session, we studied about what is business ethics, why it is required. We all studied about importance of the business ethics. हर एक के लाइफ में जैसे एथिक का इम्पोर्टेंस होता है वैसे ही बिजनेस के अंदर भी एथिक का इम्पोर्टेंस होता है. द पर्सन हु इज एथिक इज अ पर्सन इज लाइक अ कार हु इज विदाउट प्रॉपर ड्राइवर. द पर्सन हु इज नॉट फॉलोइंग द एथिक आर बाउंड टू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स. एंड इन बिजनेस में अगर एथिक नहीं फॉलो करते आप तो कभी इतने बड़े मिस्टेक में इतने बड़े प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो कि आपको बिजनेस से हाथ धोना पड़े, आपके लाइफ में आपको बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ एथिक इन द लाइफ, एथिक इन द बिजनेस. सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द बिजनेस एथिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एथिक्स इन प्रैक्टिस. एथिक का मतलब तो समझा, एथिकली रहना है वो भी समझा, लेकिन सर कंपनी में एथिक का फायदा कहाँ है, कौन करने वाला है ये, हु विल इंप्लीमेंट दिस, हु हैव द अथॉरिटी टू ऑर्गेनाइज दिस, कौन करने वाला है सर. तो आज हमारा जो सेशन है, आज हमारा जो टॉपिक है उसी के ऊपर रहने वाला है. दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी. हु इज इन्वेस्टेड द मनी, हु इज गिवन देयर हार्ड अर्न मनी टू अस, और उनके पैसे को संभालने के लिए कंपनी में जो होते जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. पूरा पैसा शेयर होल्डर का डायरेक्टर के हाथ में आ जाता है. एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देयर इज नॉट ओनली वन डायरेक्टर, देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर डायरेक्टिंग द बिजनेस. शेयर होल्डर इन्वेस्ट द मनी, बिलीव्स इन द कंपनी, ट्रस्ट इन द कंपनी, इन्वेस्ट इन द कंपनी, और ये अपेक्षा रखते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे को इसमें से प्रॉफिट मिलेगा, मेरे को एक कंपनी के बिजनेस का हिस्सा मिलेगा. एक कंपनी प्रोग्रेस करेगी तो मैं भी प्रोग्रेस करेगा. कंपनी के पास जब पैसा नहीं था तभी कंपनी ने इन लोगों से इन्वेस्टमेंट मांगा, और इन लोगों ने शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया इन द होप ऑफ गेटिंग अ गुड डिविडेंड. और ये पूरा पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके हाथ में फंड आया कि अभी कंपनी चलाओ. इसलिए कहा जाता है ना द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर्स आर इन थाउजेंड्स इन नंबर, लैक्स इन नंबर, दे ऑल कैन नॉट कम एंड रन द कंपनी, सो दे अपॉइंट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू रन द शो. तो इन दिस सिचुएशन ऑफ बिजनेस एथिक इट इज वेरी वेरी नेसेसरी दैट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मस्ट फॉलो एथिकल प्रैक्टिस. एग्री? यस एवरीबॉडी एग्री? यस. If you are, see, whenever I am asking you, you are agree with me, then you must write yes in the chat box or show a t-shirt thumb. So I understand that you are with me. Good, very good. So dear students, today we are going to start the topic and we are going to learn about the role of board of director when we speak about the business ethics. Dosto, role of the board of director. Try to understand each and every role performed by the director properly. Every company has a board of director, group of people who are helping in managing the company, administering the business of the company. They looks after the routine business, they looks after the future opportunity, they looks after the every ifs and buts of the company.
कंपनी बिजनेस कहाँ करेगा, कंपनी किसके साथ बिजनेस करेगा, कंपनी का रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कंपनी का लोकेशन कहाँ पे होगा, कंपनी के वेंडर कौन होंगे, कंपनी का सप्लायर कौन होंगे, कंपनी कौन कौन लोगों से कितने लोगों के साथ डील करने वाला है, कैसे लोगों के साथ डील करने वाला है, सारा पॉलिसी ड्राफ्ट करने का काम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कुछ रोल्स है जो रोल्स उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। द फर्स्ट रोल इज मीट कंटिन्यूअसली एंड मॉनिटर। सिर्फ कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पोजीशन लेके घर में बैठ जाने से कंपनी नहीं चलने वाली। आप लोगों को एटलीस्ट एक साल में चार से ज्यादा मोर देन फोर टाइम यू हैव टू मीट ईच अदर, डिसाइड द एजेंडा, वर्क ऑन द एजेंडा, कम प्रिपेयर इन द मीटिंग, present your best experience and try to bring the company to the another highest level. इसीलिए तो तुम्हें director बनाया है। So meet continuously and monitor the performance from time to time is the most important role of a director. Point number two, protecting interest of the stakeholders. Now who are the stakeholders? अरे जो लोग कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उन्हें स्टेक होल्डर कहा जाता है। दोज हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द कंपनी आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब सिंपल सी बात करके बताओ, शेयर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया दे आर द स्टेक होल्डर्स, कस्टमर दोज हु आर परचेसिंग अवर प्रोडक्ट आर द स्टेक होल्डर्स, employees who are working in our business are the stakeholders, debtors those who are purchasing goods on a credit is a stakeholder, creditor who gives us a loan a kind of a things on a loan basis is a stakeholder, banks, financial institution, government, competitors, everybody who is directly or indirectly connected with the company are the stakeholder of the company. It is the role of a board of director to protect the interest of each and every stakeholder. They should not think any personal gain. They should not try to develop any personal relation. They should not take the company in a different mode to get the personal benefit. They should not. अपने फायदे के लिए कुछ नहीं करना है। उनके मन में एक ही चीज होनी चाहिए, company, company, company. कंपनी का ग्रोथ। थर्ड पॉइंट सेज सेट प्रायोरिटीज एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। देखो फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग एन एग्जामिनेशन, तुम्हारा कल एक पेपर है एंड नेम ऑफ द पेपर इज बिजनेस एथिक्स, दो दिन के बाद एक दूसरा पेपर है फॉर एग्जांपल से अनदर पेपर इज से म्यूचुअल फंड, कल तुम्हारा जो पेपर है बिजनेस एथिक का उसके बाद दो दिन के बाद म्यूचुअल फंड का पेपर है, तो आज तू क्या पढ़ेगा, म्यूचुअल फंड पढ़ेगा या बिजनेस एथिक? ऑब्वियसली बिजनेस एथिक पढ़ेगा। क्यों सर? बिजनेस एथिक इज माय प्रायोरिटी बिकॉज़ टुमारो आई हैव एन एग्जाम। कैसा प्रायोरिटी सेट किया तूने? डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी, डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस, यस और नो? सो as a board of director, it is your responsibility to set priority, give importance to those area which is very, very necessary, which is must. You have to set a priority. And not only set a priority, at the same time, take the appropriate action also. Action also. Next function, role of a board of director is control over the finance of the company. Company का पैसा कहां से आएगा और कंपनी पैसे का कहां यूज करेगी, दो चीजें इंपॉर्टेंट फाइनेंस में होती है। यू पीपल आर द स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फॉर एग्जाम्पल टुमारो यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू एंड इफ इट इज बीइंग आस्क्ड टू यू व्हाट यू विल कंसीडर इफ यू आर अ फाइनेंशियल मैनेजर, सो व्हेन यू विल बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन योर आंसर मस्ट बी सर आई विल कीप इन माय टू थिंग्स ऑलवेज व्हेन आई विल बी द फाइनेंशियल मैनेजर, नंबर वन सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसा कहां से आ रहा है, नंबर टू एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, मुझे कहां यूज करना है। These are the two important areas. Keep in mind, dear students. As a finance manager, you have to answer these two queries. That's why control over finance.
Secondly, if your shares are listed in stock market, to check with the share market ka listing, your share ka price, whether it is increasing, decreasing, and if it is, why? At the same time, you should not try to manipulate the price. You should not disclose the secret information of the company to outsider for gaining the things in the market. At the same time, you must have a control over the sales. दोस्तों एक बात याद रखना, कंपनी में सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा. इफ यू वांट टू गेट अ गुड प्रॉफिट यू नीड टू हैव अ हाई सेल्स. कंट्रोल इट, चेक इट whether it is properly going on or not. Another important thing is human resources. You have to control over the human resource of the company. Human resources are the most active resource. Company में जितने employee काम करते हैं वो हमारा human resource है. If we will not get a proper human resources, and if human resources are misdirected, misguided, company बंद हो सकती है, अच्छी company टूट सकती है, problem हो सकता है. So दोस्तों, this is what the control over finance, stock market, sales and human resources. Next role of the board of director is anticipate business opportunity. दोस्तों याद रखना, ये competitive world है, कोई सामने से आके नहीं बोलेगा कि ये ले मेरे लिए business का और पैसा कमा. Directly कोई तेरे को ready-made profit लाके देने वाला नहीं है. It is you who have to decide what are the opportunities. That is why you need to study strength, weakness, opportunity and challenges, SWOT analysis. To study properly. If you are not able to do that properly, you will not be able to survive in the business. Tumhare paas aane wala business pehle hi koi leke bhag jayega. Kya karega? You will not be able to do anything. So that you have to understand. Next point is use power. Very, very important. Use power for proper purpose. Don't misuse it. Shareholder का पैसा है, तुम्हारा पैसा नहीं है. विश्वास करके दिया है तुम्हें. कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें इतना handsome remuneration मिल रहा है. Don't try to misuse the funds of the shareholder. On the contrary, your shareholder must be happy to reappoint you. कि यही बंदा हमें director में चाहिए, क्योंकि इसने हमारी कंपनी को एक अलग मुकाम पे लेके गया. उसके साथ ही हमें चलना है. मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, यू मस्ट सी वन पर्टिकुलर मूवी विच इज रिलेटेड टू सच काइंड ऑफ अ बिजनेस एंड शेयर होल्डर. द मूवी स्टार अभिषेक बच्चन, द नेम ऑफ द मूवी इज गुरु. ये मूवी के अंदर कैसे शेयर होल्डर के और कंपनी के रिलेशन के बारे में बताया है, कैसे पब्लिक गाली देती है आपको अगर आप उनके पैसे डुबाएंगे तो, और कैसा पब्लिक आपको सराखों पे बिठा दिए अगर उनको प्रॉफिट कमा के दिया तो. You have to study that. You have to understand that. So, this is most important. Share market and stock market. You must have a control over everything. You must find out the business opportunity and you must use your power for the proper purpose. Next point, again the same thing. Work in the best interest of the company. Nothing is personal. You are just representing shareholder and company. You are not representing yourself. आप अपने आप का पर्सनल रिलेशन बनाने नहीं गए हो. कंपनी का प्रॉपर्टी का यूज करके बेटे की शादी के लिए नहीं करना है. कंपनी का पर्पस है, कंपनी के लिए ही करना है. समझो, कंपनी के रिलेशन को पर्सनल काम के लिए यूज नहीं करना है. सो वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. ऑलवेज ट्राई टू काउंसिल योर सीनियर मैनेजमेंट पीपल. मैनेजमेंट लोगों को हेल्प करो, काउंसिल करो, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड, ट्राई टू मोटिवेट देम, ट्राई टू गेट द वर्क्स डन, ट्राई टू गेट द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम देम एंड ट्राई टू फॉर्म अ प्रॉपर सिस्टम दैट दे मस्ट बिलीव यू, दे शुड एक्सेप्ट यू एज अ लीडर. एज अ डायरेक्टर इतना आसान काम नहीं है. यू हैव टू डेवलप अ ट्रस्ट अमंग द पीपल. सो यू हैव टू काउंसिल द पीपल. Next point is, for me it is very important, maintain integrity of the company. Integrity, self-respect of the company. अगर तुम as a director company को कहीं बाहर represent करते हो और कुछ गलत काम करते हो तो तुम्हारी image कम down होती है, company की image ज़्यादा down होती है. याद रख लेना.
and you have no right to damage the company. Integrity is very important. Try to maintain it. Follow all compliance and statute. We are bound by law. हम कानून के बंधे हुए हैं. Rules and regulations से बंधे. Company चला रहे हो, Indian Company Act को follow करना है. Indian Contract Act को follow करना है. जो जो rules and regulations government ने frame किए, उसके बाहर जाके कोई भी काम नहीं करेगी. Commit yourself. क्योंकि एक बार हमने कोई rules तोड़े हैं, तो next time that will be a legal offense. गलती हो जाएगी. We can prove as a criminal in the court of law. And we means company. Again, मैं कहता हूँ. तेरा इमेज खराब होता चलेगा, कंपनी का इमेज खराब नहीं होने देना. समझ में आ रहा है ना एथिक क्यों चाहिए लाइफ में? समझ में आ रहा है ना एथिक क्यों चाहिए बिजनेस में? अगर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही एथिक नहीं फॉलो करेंगे तो ये सब काम नहीं करेंगे, तो कंपनी का क्या होगा? Are you getting what I meant to say? If you are really listening to me, say yes in the chat box at least, so I can understand whether you are with me or not. Yes, very good. Swapnal is there. Puja Tambe, Namita, Sheikh Fardin. Good. Lalit Tanwalkar. Good. So, dear student, this is what why we require a board of director needs to be ethical. If you are with me, I am going with the next topic. Role of a chairman. जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रोल था चेयरमैन का रोल, इतने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसी एक पर्सन को तो हमें हमारा लीडर रखना है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड उसका रोल क्या है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो ग्रुप में काम करते हैं, ये अकेला क्या करता है? डिटरमाइनिंग बोर्ड कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. कौन पर्सन बोर्ड में आएगा, कौन पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, कौन से पर्सन को रखना चाहिए, कौन से पर्सन को क्या काम करना चाहिए, ये पूरा डिसीजन होता है चेयरमैन का. क्लेरिफाई करो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें क्या काम नहीं करना है, तुम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तुम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, तुम किससे डील करोगे, किससे डील नहीं करोगे. क्लैरिफाई इट. ट्राई टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड. इफ दे विल नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, दे विल बी आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल नॉट बी एनी मोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. इट इज अ रोल ऑफ अ चेयरमैन. यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी एंड यू आर नॉट देयर टू मेक द पीपल हैप्पी. आप वहां पे सबको खुश करने नहीं बैठे हो, आप वहां पे कंपनी चलाने बैठे हो. भूलना मत, ये काम है चेयरमैन का. मित्र कोई तुम्हें चेयरमैन की तरह क्यों देखे? जब तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम अदर को कैसे कंट्रोल करोगे? दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग एंड मैनेजिंग बोर्ड एंड बोर्ड कमिटी मीटिंग्स. बोर्ड मीटिंग बुलाना, मैंने पहले कहा साल में एटलीस्ट 4 मीटिंग होनी चाहिए. मीटिंग प्लानिंग करना, एजेंडा डिसाइड करना, पहले मीटिंग के मिनट्स बराबर लिखा के लेना और अगले मीटिंग में उसको बराबर से रीड किया गया कि नहीं, सिग्नेचर लेना, अप्रूव करना, एक्सेप्ट करना और उसको इंप्लीमेंट भी करना. सिर्फ मीटिंग में डिसाइड करके नहीं चलता है. तुम चार लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, कल से पढ़ाई चालू करते, चारों भूल गए, क्या फायदा? डिसाइड किया है, लिखो, नोट करो, टाइम टेबल बनाओ, कल आके मिलो, काम स्टार्ट करो. तो तुम चार में से किसी एक को लीडर बनाओ, उसको बोलो यार चेयरमैन, हम चारों बराबर काम करते कि उसके तरह कंट्रोल रहेगा, देखो काम ज्यादा अच्छा होगा. यू नीड टू डू अ टास्क. सो प्लानिंग एंड मैनेजिंग बोर्ड एंड बोर्ड कमिटी मीटिंग. द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपिंग द इफेक्टिव ऑफ द बोर्ड. डेवलपिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द बोर्ड एज अ बोर्ड, एज अ टीम, एज अ कमिटी. तुम इतने सारे शेयर होल्डर तुम्हें रिप्रेजेंट, तुम्हें बनाया रिप्रेजेंटेटिव. जब तुम्हें इतना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो आप लोगों की जवाबदारी बनती है कि आप लोग उनकी उम्मीदों पे खरा उतरो. इफेक्टिवली यू हैव टू गिव देम प्रॉपर रिजल्ट. वो लोग ये नहीं कर रहे कि हमेशा एकदम हाई प्रॉफिट कमाओ, लेकिन एटलीस्ट कंपनी को जानबूझ के डुबाओ तो मत. अभी देखो ये लॉकडाउन पीरियड है, कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो, कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, इस सिचुएशन में तो माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स को भी चुपचाप बैठना पड़ेगा. वो भी प्रॉफिट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बराबर है ना? उस लॉकडाउन है, लेकिन कोई पर्सन जानबूझ के नुकसान कर रहा है, ये मत करो. क्योंकि कल तुम्हारा विश्वास, अगर लोगों का विश्वास तुम्हारे से उड़ गया ना, ये कंपनी तो क्या कोई दूसरी कंपनी तुम्हें डायरेक्टर बनाएगी नहीं.
ये होता है रोल ऑफ अ चेयरमैन। नेक्स्ट इज हु इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दोस्तों कभी कभी हम सब डायरेक्टर तो होते ही है, लेकिन हम सब डायरेक्टर होने के बाद भी हमें कभी कोई एरिया में कोई एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम सभी लोगों में सब बिजनेस का नॉलेज रखते हैं, मैनेजमेंट का नॉलेज रखते हैं, लेकिन हमारे में से किसी को भी लीगल नॉलेज नहीं है, कोर्ट का नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक बंदे को बाहर से लेके आएंगे जिसको लीगल एक्सपर्ट हो, लीगल नॉलेज हो, मैनेजमेंट नॉलेज हो, बिजनेस का नॉलेज हो, जिसने बिजनेस के बहुत सारे केसेस लड़े हो, उसको बोलेंगे कैन यू बी विथ अस एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो हमारे बोर्ड का मेंबर नहीं है, लेकिन इज एन इंडिपेंडेंट। सबसे बड़ी बात क्या है, हम सब भी बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको प्रॉपरली रिपोर्ट करने का काम है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, इसलिए उसको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड भी कहा जाता है ऑफ द कंपनी। वो है, लेकिन ये बंदा वैसा होना चाहिए जिसके पास इंटीग्रिटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सबके गलत काम को सही काम करने वाला है तो नहीं चलेगा। गलत हो रहा है वो देख के भी आंख बंद कर रहा है तो नहीं चलेगा। ही मस्ट बी विद द इंटीग्रिटी, ही मस्ट बी विद द सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये शेयर होल्डर इतना पैसा कमाने का, जो उनका पैसा कमा रहे, प्रॉफिट कमा रहे, उसका हिस्सा मुझे दे रहे हैं, ये कंपनी का प्रॉफिट का हिस्सा मुझे मिल रहा है, तो मेरी फर्ज है, मेरी जानकारी है कि मैं उसको अकाउंटेबल रहूं। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट, ऐसा बंदा रखो जिसका पहला अचीवमेंट हो, कुछ जिसने पहले बहुत सारे इतिहास बनाए हो, जिसने इसके पहले बहुत सारा रिकॉर्ड बनाया हो, ऐसा पर्सन रखो जिसको फाइनेंशियल नॉलेज हो। अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग इट बिकॉम फाइनेंशियल मार्केट, तो यू आर फाइनेंशियली लिटरेट ना, पर तुमको छोड़ के कोई ऐसा पर्सन को रखते जो 12वीं फेल है तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ऑब्वियसली तुम्हें रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यू आर फाइनेंशियली लिटरेट, you know what is share market, you know what is banking, you know what is the financial transactions, how economy runs, yes or no? aisa banda chuno, aisa person rakho, experience and the independent to balance the interest of the various stakeholder, sare stakeholder ko saath mein leke chale, kisi ko naraz na kare, kisi ko takleef na ho, ek ka fayda na dekhe, sab ka fayda dekhe, aisa person aapko select karna hai jo balance karke chale। ऐसा पर्सन आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में सिलेक्ट करना है। दैट ए पर्सन हु इज हैविंग एबिलिटी टू थिंक स्ट्रेटेजिकली, लॉन्ग टर्म माइंड अप्लाई करे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चले, ऐसा सोचे सिर्फ आने वाले कल का फायदा ना देखे, आने वाले कल का फायदा ना देखे, फ्यूचर का फायदा देख के चले, वो कर ऐसा पर्सन होना चाहिए। हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट, मुझे काम करना है, अच्छा काम करना है, आई वॉन्ट टू प्रोमिस दैट आई विल डू द बेस्ट, ऐसा पर्सन चुनो। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिसमें डिवोशन हो, डेडिकेशन, इंटरेस्ट, सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा खाने को नहीं आया है, कंपनी को सच में मदद करने आया है, तो कंपनी को भी उसको प्रॉफिट देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं कंपनी के लिए कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये स्लाइड आपको बराबर से समझ में आई होगी तो आप लोग यस लिखोगे चैट बॉक्स में, तो मुझे समझेगा कि आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो। So I'm getting a good response, Rohan, Tiraj, Devraj, Namita, Rahul, Swapnil, good. So 23 participants आज एक बढ़ गया है टोटल में। I'm happy मेरे मैसेज का कुछ तो फायदा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे कमिटीज होते हैं कंपनी में, ये बोर्ड के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो मिलके बहुत सारे कमिटीज बनाते हैं और सबको मेंबर्स बनाते हैं कमिटीज के। अब कौन सी कमेटी है और वो क्या करती है हम देखेंगे। द फर्स्ट कमेटी इज ऑडिट कमेटी। अब ऑडिट कमेटी के बारे में मैं आपको क्या कहूँ, ऑडिटिंग इज द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन बिहाइंड ऑल द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। यू नो इफ इन द फ्यूचर यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको सबसे पहला काम करना है ऑडिट करना है। तो ऑडिट कमेटी का काम क्या है, बेसिकली टू ओवरसी द कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट रिकॉर्ड बुक्स मेंटेन है या नहीं है, कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है या नहीं है, कंपनी ने कोई अकाउंटिंग या फ्रॉड तो नहीं किया है, या किसी एम्प्लॉई ने फ्रॉड तो नहीं किया है। टू चेक ऑल दिस थिंग देयर इज एन ऑडिट कमिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर ही मेंबर जो फाइनेंस में एक्सपर्ट रहेगा उसको एक कमेटी में डाल दो। दूसरा काम है उसका टू प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अपने को कुछ भी चीज हाइड नहीं करनी है, जो सत्य है
लोगों तक लाना है, जो सच्चाई है लोगों तक पहुंचानी है। बिजनेस हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, झूठा बैलेंस शीट बनाना नहीं है। वी डोंट वांट टू डू द विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग से क्या होगा, यू कैन फूल द पीपल बट यू कैन फूल द पीपल वंस, यू कैन नॉट फूल द पीपल ऑलवेज। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल ऑफ ऑडिट कमी, और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करना आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, इफ समबडी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस कमिटी के अंदर लेना, जिससे आपका ऑडिटिंग परफेक्ट हो। Hope you understood the point number first, that is audit committee, yes or no, dear students? Yeah, very nice. Next committee is a remuneration committee. Now, jaisa uska naam hai, remuneration. Remuneration is nothing but a salary, wages, incentives, bonus, anything which is given to the employee in return. Anything which is given to the employee in return, in refund. So what is the role of a remuneration committee? Is to authorize the remuneration. Kisko kitna remuneration milna chahiye, uska permission dena, authority dena. Business and other benefits of executive director and CEOs. Executive director, board of director ko, CEO ko kya remuneration milna chahiye, kya benefit milna chahiye, kitna incentive milna chahiye. Meeting mein aane ka bhi sitting fees hota hai, meeting attend karne ka bhi fund hota hai, paisa hota hai. कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, उसके ऊपर भी प्रॉपर पॉलिसी बनाना, ये इस कमेटी का काम है। कंपनी का पैसा एक भी जगह वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली इसका रिकमेंडेशन जाने के बाद फाइनेंस कमेटी फाइनल करेगी कि इतना पैसा देना है या नहीं देना है। अगर देना है तो कितना देना है, नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है, रीजन देना पड़ेगा। एंड टू ग्रांट अवार्ड अंडर द इंसेंटिव स्कीम्स। कभी कभी कंपनी बहुत सारे अवार्ड देती है, बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द ईयर, यू नो जैसे अपने कॉलेज में स्टूडेंट ऑफ द ईयर रहता है, वैसा कंपनी में भी रहता है। इससे क्या होता है, मोटिवेट होते हैं दूसरे स्टाफ काम करने के लिए और भी एनर्जेटिक होते हैं। ये भी हमें ध्यान देना है। तो फर्स्ट कमिटी इज ऑडिट कमिटी, सेकंड कमिटी इज रेमुनरेशन कमिटी, थर्ड कमिटी इज अ नॉमिनेशन कमिटी। ये क्या काम करते हैं, कुछ भी काम करना है तो लोगों को नॉमिनेशन का काम करते हैं कि कौन कौन सा काम बेहतर कर सकता है। जैसे कि रिकमेंड द बोर्ड अबाउट द फ्यूचर अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन, सीईओ। अगला नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन सकता है, अगला चेयरमैन कौन बन सकता है, अगला सीईओ कौन बन सकता है, अगले डायरेक्टर में हमें किसे लेना चाहिए, किसका हमें फायदा मिल रहा है, कौन कंपनी के लिए नुकसान कर रहा है, कौन कंपनी के लिए फायदा कर रहा है, नॉमिनेट करना। जैसे नॉमिनेट करते ना कि हमारे क्लास का सीआर है, अच्छा काम करेगा, इसको मत बनाओ, कुछ काम का नहीं है, वैसा। The fourth committee is shareholder, investor, grievance and administrative committee. अब ये कमिटी का काम क्या है, शेयरहोल्डर और इन्वेस्टर की कोई ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेंट्स, कोई भी कंप्लेंट्स आती है उसको हैंडल करना, टैकल करना, डील करना। अप्रूव द ट्रांसफर, देखो यू कैन ट्रांसफर योर शेयर। कभी कभी ऐसा हो जाता है इन द डेथ ऑफ द शेयरहोल्डर द शेयर्स आर ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ये सब कंफर्म करना, अकाउंट चेक करना, रिकॉर्ड चेक करना, किसी का शेयर सर्टिफिकेट गुम गया था, इश्यू ऑफ अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। एंड कोई भी कंप्लेंट आए 15 दिन के अंदर सोल्व करना, यानी कि रिजोल्व द कंप्लेंट इन फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन का समय सोल्व करना। ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है। सो दोस्तों फिर से एक बार मैं ये रिकैप करना चाहूंगा। आज हमने जो पढ़ा बिजनेस एथिक्स से हमने शुरू किया, लास्ट लेक्चर में उसका मीनिंग मैंने पढ़ाया था, मीनिंग के बाद में उसका एग्जांपल भी दिया था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बिजनेस कैसे चलता है, एथिक कैसे काम करता है, एथिक क्यों पढ़ना चाहिए उसके बारे में भी मैंने बताया था। आज के सेशन में हमने देखा कि बिजनेस एथिक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर, they are caretaker of the company, they are trustee of the company, company के पैसा पूरा उसके पास होता है, एक विश्वास से लोगों ने दिया है कि ये हमारी कंपनी को आगे बढ़ाएगा। इसलिए हमने पहला टॉपिक का देखा रोल ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें हमने देखा मीट कंटिन्यूअसली एंड मॉनिटर, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, सेट प्रायोरिटीज एंड प्रोटेक्ट द एप्रोप्रिएट एक्शन, कंट्रोल ओवर फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, सेल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, एंटीसिपेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, use power for proper purpose, work in the best interest of the company, counseling the senior management, maintain the integrity of the company, follow all compliances and statutes, rules and regulations. फिर हमने देखा role of a chairman,
determining board composition and organization, clarifying the board and management responsibilities, planning and managing the board and board committee meeting, developing the effectiveness of the board. Then I'm the role of an independent director. The independent director is a non-executive director on the board of the company who has integrity, sense of responsibility, track record of achievement, which was the ethias achavanachi, financially literate on achi, others experience and independence to balance the interest of the various stakeholders, support hammer rakke chalna hai, kisi ko naraz nahi karna hai, but at the same time company ko progress ko hi jo saath mein hoga uska hi sochna hai, jo company ke progress mein saath mein nahi uska nahi sochna hai, isi ko kaha jata hai ability to think strategically. Degree of commitment and devotion jo iske saath kaam kare waisa hi person hamara independent director ban sakta hai. Then हमने various committees के बारे में देखा, audit committee जो oversee the company's financial reporting, the process of disclosure of the financial information. Then हमने देखा remuneration committee, so company का salary, wages, इस जो भी financial matter है उसके बारे में recommendation देगा, remuneration देगा, कोई भी grant of award, schemes, benefits, incentives उसके बारे में सोचेगा. Then nomination committee जो report करता है, recommend करता है कि अगला CEO कौन बन सकता है, अगला डायरेक्टर में कौन आ सकते हैं, चेयरमैन कौन बन सकते हैं, किसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नेक्स्ट टाइम बना सकते हैं उसके बारे में रिकमेंडेशन देगा. देन लास्ट कमिटी शेयर होल्डर इन्वेस्टर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट करके देगा, एंड एट द सेम टाइम कोई भी कंप्लेंट आएगा उसको रिजोल्व करके देगा विद इन 15 डेज. फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिनों के अंदर. दोस्तों दिस इज व्हाट द टुडेस सिलेबस वी स्टडी. नाउ होमवर्क. You don't like homework, I think so, because you are not submitting any assignment to me. Those who are not submitting assignment to me will be absent for that lecture. It is clear cut. Attendance kaise hoga? Jo assignment submit karega, uska attendance confirm. Clear cut baat hai. Now, today's assignment is explain the role of director, explain the role of a chairman, write a note to independent director, explain the various committees under the board of company. मैं पावर पॉइंट आपसे शेयर करूंगा, उसमें आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं. वेरी इंपॉर्टेंट, असाइनमेंट मस्ट बी हैंड रिटन. स्टूडेंट मस्ट मेंशन नेम, डिवीजन, प्रोग्राम सिग्नेचर एंड डेट ऑन एवरी पेज ऑफ द असाइनमेंट. स्कैन कॉपी ऑफ द असाइनमेंट टू बी मेल्ड ऑन drvmhida@gmail.com ऑन और बिफोर 25/6/2020, दैट इज टुमारो. सो विद दिस आई एम जस्ट स्टॉपिंग माय प्रेजेंटेशन एंड I hope you understood the lecture properly. I tried to deliver it the better way where you can understand. If you have any doubt, if you have any question about the topic, you just give a message to me. It's in the group. My number is there. You can mail me on this mail ID, which is given as an assignment. I'll try to solve your queries maximally within 2 or 3 days. If I will not be able to, just give me a message so I can immediately check the mail and solve your query also. I hope you like the lecture. Again, I'm telling you, for that you must not complete the assignment on time, because assignment is a proof that you attended the lecture, what I believe. Otherwise, there is no use just to sit the lecture and doing nothing at home. Everything has been shared. Okay, one more thing. Even I'm sharing the video of this lecture. Every lecture after completion, I'm sharing the video and PPT. You go there. You just see what is there. If you miss some point, you can cover over there. Okay, so I think so. This is sufficient for today's session. Thank you very much.